to the fullest. Do you agree? Yes. Yes. How much you agree? This is how we are talking about customers. Yes. So किसी को भी जिंदगी में सेविंग करना होता है लेकिन सबसे ज्यादा ये तो हम लोग डे टू डे में बात करते हैं. अरे यार उसको इंश्योरेंस लेना चाहिए लेकिन क्या कर रहे हैं, उन्होंने गाड़ी खरीदा. अभी मेरे से तो 10 लाख का भी इंश्योरेंस नहीं लिया, मतलब उसका अगर 10,000 भी प्रीमियम है फिर नहीं लिया, लेकिन गाड़ी अभी देखा तो होंडा ले लिया. ऐसे होता है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज हियर, दिस टू बेसिक आइडियाज ऑफन कॉन्फ्लिक्ट, नीड इमरजेंसी फंड. ये तो हो गया, पीपल वॉन्ट टू सेव, ये की बात मालूम पड़ गया. लेकिन सबसे ज्यादा क्या है उसको स्टार्ट करना चाहिए, वो इमरजेंसी फंड है. ये चैप्टर में उन्होंने क्या बताया हमें लिम्ब्रा बुक्स में कि एक इमरजेंसी फंड की जरूरत होती है कौन से चीजों में. टू बेसिक आइडियाज ऑफ एन कॉन्फ्लिक्ट, एक है प्रोलॉन्ग इलनेस में और आपका जॉब जाने पर. अगर जॉब जाएगा तो क्या, तो आपको वहां पर इमरजेंसी फंड आपको चाहिए. हम लोग आप आज के डेट में अनुमान साहब अपन कितनी इमरजेंसी फंड ठेवतो, कोणाला ऍडवाइस करतो, तुम्ही क्लायंटना किती ऍडवाइस करता, किती महिन्याचा ठेवला पाहिजे, थंब रूल किती आहे, 3 to 6 months बोलते, 3 to 6 months का मंथली एक्सपेंडिचर एटलीस्ट बाजू में रखो. सो दैट्स व्हाट वी से. एंड सेकंड इज इलनेस में भी हमें इमरजेंसी फंड की जरूरत है. ऑल ओवर हियर आई आस्क यू योर क्लाइंट्स, सबके पास 100 से ज्यादा क्लाइंट्स है, 500 से क्लाइंट्स हैं ज्यादा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इमरजेंसी फंड आउट ऑफ आवर 100 कस्टमर्स कितने लोगों के पास एक्चुअली इमरजेंसी फंड का प्रोविजन हो सकता है, जस्ट 1 by 1 परसेंटेज, 1 to 10 में बोलो या 1 to 100 में परसेंटेज वाइज. यस, अबाउट 10%. 10%. दिस शुड बी रिकॉर्डेड सर, बिकॉज दिस शुड बी पुट ऑन. अपने क्लाइंट्स को मालूम भी होना चाहिए कि देखो ये मेरा नहीं, आपके क्लाइंट्स है, आपके क्लाइंट्स है, सबके पास एक सीनेरियो है, हम लोग को मालूम पड़ेगा. Yes, आपका 10 to 15% 4 to 5% 5 to 6% not more than that. Do you agree? Yes, yes, yes. 10 to 15% around 5% 5% Rajendra bhai, aap when you come across client, correct, आपको पता चलता है उनकी बातों से कि emergency fund का provision किया है सर, तो उनका question हाँ ये क्या होता है, ऐसे होता है, होता है ना, right? तो 15% can easily have one. मतलब नहीं है खाली, कितने लोगों ने किया होगा provision? Yes. करीबन 10 से 10% लोगों ने, 10% 40 to 50% दैट्स रियली वेरी गुड थिंग. मतलब मेरे लिए तो आई हैव कम अक्रॉस मोर देन 1000 एजेंट्स, बट 40% का प्रोविजन मैंने देखा नहीं कभी. सो दैट्स हैट्स ऑफ कि आपने किया होगा प्रोविजन, तो इट्स वेरी गुड. बट अदरवाइज इमरजेंसी फंड का प्रोविजन नहीं होता है. नॉट एज इमरजेंसी फंड, मैं इमरजेंसी फंड की बात कर रहा हूं. नहीं नहीं, 6 months इमरजेंसी फंड इज अ लिक्विडिटी, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. द लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट. हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, वो आंसर्स है. वी आर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, तो वी शुड बी वेरी ब्लंट अबाउट इट कि मुझे इमरजेंसी फंड मालूम है क्या, व्हाट इज माय इमरजेंसी फंड. वो मेरा नहीं है, कस्टमर के लिए हम लोग बात करें. सो प्रोलॉन्ग इलनेस के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट, अगर जॉब जाता है, हमने भी अभी देखा ना परसों लास्ट टाइम पूछा, हमारा कमीशन बंद होगा तो कितने महीने हम लोग जी पाएंगे, हमारे पास प्रोविजन कितना है, हम लोग ने बात की. सो ये सेशन में नहीं, हम लोग अगले सेशन में बात करते हैं, बट दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. तो इमरजेंसी फंड इज नेसेसरी, उन्होंने कहा है इन दिस चैप्टर. इमरजेंसी फंड की जरूरत कभी पड़ती है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोलॉन्ग इलनेस के लिए. ठीक है, आज सबको नींद आ रही है क्या? नहीं, काफी नहीं। मतलब मीटिंग में कॉल करता हूं, ऐसे लग रहा है मुझे. यस, ओके. तो सेकंड उन्होंने क्या बताया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एज एन एड टू सेविंग्स के लिए या थ्रिफ्ट. मतलब टू सेविंग ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर लॉन्ग टर्म, हमें सब पता है, बिकॉज ये शायद लिम्ब्रा में जो लिखा हुआ है वो तो हम लोग ने पढ़ा है,